नमस्कार दोस्तों दोस्तों, हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी हिंदी की, और हम लोगों के 7 टेस्ट हो चुके थे। 8वां टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग निगेटिव का खास ख्याल रखते हुए पढ़ाई को बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी रखिए, और समय बहुत कम है, और GS को और हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। 2 ही पेपर होंगे आपके, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए आप लोग तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर पर करते रहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो निगेटिव मार्किंग है उसको देख के आप लोग अटेम्प्ट करिए। अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करिए उस क्वेश्चन को। अगर आता है, अगर आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो तभी आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं तो बिल्कुल भी छूइए नहीं। उससे क्या होगा, आपका एक एटीट्यूड भी बनेगा। चलिए ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बता सकते हैं, आप लोगों ने कितने सही किए, पहले कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, 3 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन D, स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। ठीक है, जंगम, सॉरी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन के दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन A, ग्रस्त का मुक्त होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का विलोम शब्द क्या होता है? तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन B, वाचाल। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गलत विलोम शब्द युग्म को आपको पहचानना है, कौन सा गलत युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन A, पहला आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रवेश का जो विलोम शब्द होता है वो आपका निकाश होता है। ठीक है, और नवेश आपका गलत वर्ड है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन B, वियोग होता है। ठीक है, वियोग। 6 नंबर क्वेश्चन, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन B, शकुन होता है, शकुन। 7वां नंबर क्वेश्चन, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 7वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन A, क्षीण होता है, ऑप्शन A। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत सुमेलित है? देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन D, डी आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आहार का विलोम शब्द निराहार होता है, यहाँ पे विहार गलत वर्ड दिया हुआ है, इसलिए यह है सुमेलित नहीं, बाकी तीनों सुमेलित हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन A, मुखरता। दोस्तों, आप लोगों को अगर ऑप्शन जल्दी लगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन D, सदय होता है, सदय। 11वां नंबर क्वेश्चन, इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन D, ऐंद्रिक, ऑप्शन D। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, आपको बताना है। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन A,
चार विशेषण हैं और चार विशेष्य हैं। विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य की विशेषता बताता है। विशेषता क्या है? बालक की विशेषता क्या है? भोला भोले हैं, ठीक है। क्रूर डाकू है, तो डाकू की विशेषता क्रूर है। कठोर हृदय है, तो कठोर आपकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। और कोमल भावना, तो कोमल आपकी विशेषता हो गई। तो इसमें चार आपके विशेष्य हैं और चार विशेषण हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तीसरा शब्द, तीसरा एक वर्ड है, तो इसको आपको बताना है कौन से किस टाइप का विशेषण है। 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रमवाचक विशेषण है। 14वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, जैसे रिपीट भी हुआ करें तो कम से कम दोस्तों वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। 14वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, घर आदमी वस्त्र, ये तीनों के तीनों विशेष्य हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। चलिए अगला देखते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक विशेषण है। 16वां नंबर क्वेश्चन, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण छांटना है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। 16वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सात, सात एक संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 17वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध की विशेषता बता रहा है, अधिक दूध है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद आपको बताना है कौन सा है? 18वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विशेष्य बता रहा है जिसकी विशेषता बताई जाती है। 18वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उमा एक विशेष पद है। 19वां नंबर क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में क्या है? तीन विशेषण, विशेषण और विशेष आपको बताने हैं, कितने हैं? देखिए ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, चार विशेषण और चार विशेष्य हैं। सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित आपकी विशेषण हो गया, लोभी शिकारी, लोभी आपका विशेषण हो गया, राजस्थानी हिरणों, तो राजस्थानी आपका क्या हो गया? एक विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये आपके चार विशेषण और चार विशेष्य हैं, ठीक है। सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध, ठीक है। और ऐसे ही आपके चार विशेष हैं, कस्तूरी, शिकारी और आगे हिरणों और शिकार, ये आपके विशेष्य हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? समुद्री सांप, तो समुद्री क्या है? विशेषता है। घातक, घातक भी एक विशेषता है। कीमती जहर, तो कीमती भी एक विशेषता है, ठीक है। तो 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, तीन विशेषण और दो विशेष्य हैं, ठीक है। विशेष्य कौन है? सांप है और जहर है, और आपका समुद्री, घातक और कीमती, ये तीनों के तीनों विशेषण हैं, ठीक है। 20 का ए। 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आशा, आशा एक तत्सम शब्द है, ठीक है। और जो आपका ईख है, ईख, बी ऑप्शन, ईख का तत्सम क्या होगा? इछू होगा, ठीक है। और आपका अगला मार्ग का तत्सम क्या होगा? मार्ग होगा। और अगला जो होगा आपका कड़ाह, कड़ाह जो होगा, कड़ाह का तत्सम कटाह होगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों तद्भव थे, बी सी डी। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, कौन सा तत्सम शब्द है? 22वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वत्स एक तत्सम शब्द है, ठीक है।
22वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बड़ा जो है, बड़ा बड़ा एक तत्सम आपका तद्भव शब्द है। बड़ा का तत्सम क्या होता है? वृत्तक होता है, ठीक है। और बकरा का तत्सम क्या होता है? बरकर होता है। और आपका फूल का तत्सम फुल होता है, ठीक है। तो ये चारों हो गए। 23वां नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको 23वें नंबर क्वेश्चन में भी। 23वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कमल। कमल एक तत्सम शब्द है, कमल एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अब जैसे जशन है, मीत है, कर्तव्य है, तो ये आपके तद्भव हैं, ठीक है। तो जशन का जो तत्सम होता है जश्न होता है, और कर्तव्य का कर्तव्य होता है, और मीत जो है मीत का आपका तत्सम मित्र होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, कौन सा होगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 24वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वप्न। स्वप्न एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया? निठुर। निठुर एक तद्भव है। निठुर जो होता है, निठुर का तत्सम जो होता है निष्ठुर होता है, ठीक है। और आस का तत्सम आशा होता है, और छह का तत्सम षष्ठ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। 25वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 25वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, निष्ठुर। निष्ठुर एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, गहरा है, तो गहरा का तत्सम क्या होता है? गंभीर। तीखा का तत्सम क्या होता है? तीक्ष्ण। अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों चारों तत्सम हो गए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव आपको बताना है, एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? 26वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अकेला। चलिए अगला देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन, कर्पट शब्द का तद्भव आपको बताना है, कर्पट शब्द का तद्भव शब्द बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कपड़ा। 28 नंबर क्वेश्चन, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको, कौन सा है? ए बी सी डी ऑप्शन देखिए, ट्राई करिए। 28वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, केवट होता है। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट होता है। 29वां नंबर क्वेश्चन, ग्रद ग्रध्र शब्द का तद्भव रूप आपका क्या होगा? देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गीध, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द आप बताइए, तिक्त शब्द का तद्भव बताना है आपको। 30वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, तीता। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का अर्थ नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, निश्चित एक निश्चल का अर्थ नहीं है। बाकी स्थिर का मतलब निश्चल होता है, और जो अपने स्थान से ना हिल सके अचल, ठीक है। 31 का आपका डी, निश्चित एक निश्चिल निश्चल का अर्थ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन, स्वयंभू शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? स्वयंभू। 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतः से उत्पन्न। स्वतः से, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसको
स्वयंभू बोलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक वाक्यांश, जिसकी आशा ना की गई हो। 34वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अप्रत्याशित कहते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश उपकृत। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 35वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जिस पर उपकार किया जाता है उसको उपकृत बोलते हैं। ठीक है। 36वां नंबर क्वेश्चन, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी बोलते हैं, युगों से चले आने वाले के लिए क्या कहते हैं, सनातन कहते हैं। ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक तत्सम शब्द का आपको बताना है, तत्सम शब्द जिसे बुढ़ापा ना आए। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अजर बोलते हैं उसको, अजर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन, जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द। 38वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वैयाकरण कहते हैं उसे, वैयाकरण। 39 नंबर क्वेश्चन, जो क्षमा करने योग्य नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, जो क्षमा करने योग्य नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षम्य बोलते हैं उसे। 40 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 40वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वायव्य कहते हैं, वायव्य। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, गलत है मतलब। ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ए बी सी डी चार वाक्य दिए हैं, पढ़िए इनको अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोग आंसर कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ए पहला वाक्य वह दंड देने के योग्य है। तो इसमें ये पहला वाला ए वाक्य गलत है। गलत क्यों है, बाकी देखिए बी सी डी चार तीनों वाक्य आपके सही हैं। पहला वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि इसका सही जो होगा के जो लगाया गया है इसमें के नहीं लगेगा। वह दंड देने योग्य है, ये सही वर्ड है, इसलिए ये एक्सेस में लगा है। ठीक है। इसका के का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको अब अशुद्ध नहीं बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है। ये आपका सही वाक्य है। और बाकी देखिए, मैं पूरी रात भर जागता रहा, तो इसमें एक्सेस में लगा है, मैं सारी रात भर जागता रहा। ये भी अब सारी रात या रात तो एक ही होती है ना, रात तो भाई एक ही होगी, तो इसलिए गलत है। ठीक है। और मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है, देखिए भर भर जिनमें लगा है वो गलत है। ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है सी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ये आपका सही वाक्य है। ठीक है। और बाकी देखिए, भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई भाई के साथ ही तो करेगा, ठीक करेगा। और संपूर्ण देश काल में निराशा का छा गई, तो संपूर्ण देश में, अब काल क्या का क्या अर्थ है, काल ये अक्षर लगाए, तो संपूर्ण देश में निराशा छा गई। और पहला वाला, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा, तो व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है
वाक्य के लिए स्थान की रिक्ति पूर्ति के लिए कौन सा उपयुक्त? अब देखिए, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है आपको बताना है, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड को चूज करके डालना है इसमें। 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, और आंसर ए निर्लिप्तता। निर्लिप्तता का मतलब उससे आदमी उसमें लिप्त नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उसने मिष्ठान खरीदा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। बी क्यों गलत है? भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, ठीक है, और पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट की गई, तो रूपांबरा एक कृति के लिए ही होता है, ठीक है, तो इसमें कृति अलग से लगा है, तो ये गलत होगा। और आप तो अंतर ध्यान हो गए, तो आप अंतर ध्यान हो गए, तो ये एक्सेस में लगा है, इसलिए गलत है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है आपको, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उसके प्राण निकल गए, ठीक है, तो पहला वाला वाक्य सही है, उसका प्राण निकल गया, तो गया नहीं होगा, ये इसीलिए वर्तनी की ये गलती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये गया, देखिए ये भी वर्तनी की गलती है, तो अगर उसका होता उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अब ये उड़ भी गलत लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो रहा है, प्राण उसका खत्म हो गया, तो ये भी एक बिल्कुल कोई सेंटेंस ही नहीं आ रहा, वो वर्तनी की गलती है, ठीक है, गया ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, तो अब ये उच्छृंखलता का जो सही अर्थ है, मतलब जो वर्तनी रूप में सही शुद्ध है, आपको उसको बताना है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अनुशासन के अभाव में, जैसे अनुशासन नहीं होता तो बच्चे खुश बहुत होते हैं, ठीक है, प्रसन्नता बहुत होती है, जो मन चाहे वो खेल सकते हैं, तो वो चीज़ है। अब इसका सही वर्तनी रूप आपको बताना है, 47 नंबर क्वेश्चन का जो, देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उच्छृंखलता, ऑप्शन ए। अब इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, उच्छृंखलता बोलते हैं इसको, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड पड़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अब देखिए इसमें आपको बताना है चारों में से कौन सा वर्तनी रूप में सही है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अप्रत्याशित बोलते हैं, अप्रत्याशित नहीं कहते हैं इसको, इसलिए गलत है। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन सी, 48 का सी, अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों से अभी अनिभिज्ञ है, अनिभिज्ञ है, ठीक है, तो अब इसको सही, आपको अनिभिज्ञ को वर्तनी रूप में सही बताना है, कौन सा सही है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनभिज्ञ होता है, ठीक है, अनभिज्ञ। 50वां नंबर क्वेश्चन, भारत समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो पुनरुत्थान नहीं होता, ठीक है, अब इसका देखिए आपको प्रोनाउंसिएशन जो वर्तनी रूप से सही है उसको आपको बताना है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पुनरुत्थान होता है, ठीक है, अब देखिए ये एक छोटा उ है, रा के ऊपर छोटा उ की मात्रा है, एक छोटा उ है और एक बड़ा उ है, तो ये बड़ा उ नहीं लगेगा,
देखिए दोनों में सेम सेम समझ में आ रहा है, लेकिन सेम नहीं है वो, बस केवल रा के ऊपर जो रू बनता है वो केवल मिस्टेक है, उसमें बड़ा कर दिया है, और जो सही आंसर में मारा गया है वो आपका पुनरुत्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, आगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वागत कहते हैं, अगवानी बोलते हैं। शादी व्यवहारात में कभी भी सुना भी होगा आप लोगों ने कि आगवानी अगवानी होने जा रही है, तो वो स्वागत उसको कहा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची है। और 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चमू का क्या पर्यायवाची होगा? चमू का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का जो सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सेना। चमू का पर्यायवाची सेना होता है। ठीक है, और सेना के अन्य उसको हम लोग पर्यायवाची को भी देख सकते हैं, जैसे सैन्य है, ऊनी है, अनीक है, कटक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, अटवी किसका पर्यायवाची है? अटवी, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 53 का सी, वन। अटवी जो है वन का पर्यायवाची है। ठीक है, वन का पर्यायवाची अटवी होता है। और वन के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे अरण्य कहते हैं, कानन कहते हैं, विपिन कहते हैं, और जंगल कहते हैं, तो ये कुछ वन के अन्य पर्यायवाची थे। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, परिव्राजक का क्या पर्यायवाची होगा? परिव्राजक का क्या पर्यायवाची होगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन वी, ऑप्शन बी, परिव्राजक का जो पर्यायवाची है वो सन्यासी है। ठीक है, सन्यासी ऑप्शन बी। और इसमें जैसे सन्यासी के और भी देख सकते हैं, जिसको दंडी कहते हैं, वैरागी कहते हैं, त्यागी कहते हैं, और विरत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, वसन शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? वसन शब्द का क्या पर्यायवाची है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्त्र। वसन शब्द का पर्यायवाची वस्त्र होता है, और बाकी तीनों शब्द जो हैं अलग हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, मधुप किसका पर्यायवाची है? मधुप किसका पर्यायवाची है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मधुप जो होता है भ्रमर का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी तीनों अलग हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, चपला शब्द निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? चपला शब्द निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो अब देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वीप, दीप। ठीक है, दीप, एक दीप पर्यायवाची नहीं है, तीनों बाकी के चपला के पर्यायवाची हैं, जैसे विद्युत है, दामिनी है, बिजली है, तो ये तीनों के तीनों चपला के पर्यायवाची हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तनुज। पुत्री का पर्यायवाची तनुज नहीं होता। ठीक है, अब इसका तनुज का पर्यायवाची पुत्र होता है। ठीक है, बेटा बोलते हैं तनुज, जैसे एक मेल और फीमेल जो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे सुता है, आत्मजा है, तनिया है, तो ये स्त्रीलिंग है, और बाकी तनुज एक पुल्लिंग है, तो इसलिए ये पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है?
आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण आरसी शब्द का पर्यायवाची दर्पण है, और दर्पण के अन्य पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं, जिसको शीशा बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं, मुकुर बोलते हैं, आईना बोलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है समूह का पर्यायवाची नहीं है। 60वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अनीक। समूह का पर्यायवाची आपके हैं कौन कौन से? समुदाय है, वृंद है, झुंड है, ये सारे के सारे समूह के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनीक अनीक आपका समूह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये बल्कि सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज के हम लोगों की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।